गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू टीआरडी टीम हु गिविंग मी अ चांस टू परफॉर्म ऑन दिस प्लेटफॉर्म एंड ऑल्सो थैंक यू ऑल ऑफ यू हु हैव कम हियर एज अ पार्टिसिपेंट और ऑडियंस. मैंने एक नज्म लिखी है, ये एक रोग के ऊपर है. ये ऐसा रोग है जो किसी जो सभी जाति धर्म और अमीर गरीब सभी तरह के व्यक्ति से प्रभावित हैं. इस रोग का नाम है सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग. तो मेरा जो नज्म का शीर्षक है वो है लोग क्या कहेंगे. जिंदगी बीत गई कमाने में, जिंदगी बीत गई कमाने में रहा इस दिखावे के जमाने में, जिंदगी बीत गई कमाने में रहा इस दिखावे के जमाने में. कर्जा लेकर की थी बेटी की शादी, सारी जिंदगी बीत जाएगी कर्जा चुकाने में. क्योंकि मुझको डर था लोग क्या कहेंगे, क्योंकि मुझको डर था लोग क्या कहेंगे. दहेज समाज में फैला वो कैंसर है, दहेज समाज में फैला वो कैंसर है जो बच्चियों की जिंदगी को कोख में ही निगल रहा है. बाल विवाह कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा दे रहा है. किसी को अपनी समाज में झूठी इज्जत जाने का डर है तो किसी को ऊंच नीच हो जाने का डर सता रहा है. क्योंकि इन सभी को डर है लोग क्या कहेंगे, क्योंकि इन सभी को डर है लोग क्या कहेंगे. ये समाज एक पॉर्न स्टार को खुशी खुशी अपना लेता है, उसकी फिल्म में उसके गानों पर मदमस्त होकर नाच झूम भी लेता है. जबकि एक रेप पीड़िता जिसकी कोई गलती भी नहीं, उसको आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ रहा है. क्योंकि उसको डर है लोग क्या कहेंगे, क्योंकि उसको डर है लोग क्या कहेंगे. हर स्तर पर बेटी बहू में अंतर बना रखा है घर में, हर स्तर पर बेटी बहू में अंतर बना रखा है घर में. पर्दा प्रथा, पैर छूना, घर के काम और कम से कम आराम, पर्दा प्रथा, पैर छूना, घर के काम और कम से कम आराम, ये सभी तो हैं बहू के नाम. लेकिन घर के बाहर सब बहू को बेटी बेटी बताया जा रहा है. क्योंकि इन ससुराली जन को डर है लोग क्या कहेंगे, क्योंकि इन सभी को डर है लोग क्या कहेंगे. एक पिता ने बरसों पहले अपने बच्चों की खातिर कुछ जमी खरीदी. उसने सोचा था भविष्य में बच्चे खेती करके गुजर बसर करेंगे. उसको कहाँ पता था कि उसके बाद इसी जमी की खातिर बच्चे भाई भाई आपस में ही लड़ मरेंगे. क्योंकि इनको डर था लोग क्या कहेंगे. मैं अगली पंक्ति सुनाने से पहले थोड़ा परिवार के बारे में बताना चाहूँगा. हमारे समाज में दो तरह के परिवार रहते हैं. पहला परिवार वह है जो परिवार से ज़्यादा समाज को महत्व देता है, और दूसरा परिवार इसके विपरीत है जो समाज से ज़्यादा परिवार को महत्व देता है. तो जब कोई विपरीत हालात, विपरीत परिस्थिति आती है तो हमारा पहला परिवार जो समाज को ज़्यादा महत्व देता है वो टूट जाता है, बिखर जाता है, माँ बाप बच्चे अलग हो जाते हैं. इसके विपरीत दूसरा परिवार जो परिवार को ज़्यादा महत्व देता है वो विपरीत हालात परिस्थिति में मजबूती के साथ अड़ा रहता है, खड़ा रहता है. मेरी अगली जो पंक्तियाँ हैं वो कोरिलेट कर कीजिए आप इसी से. कंडीशन है लव मैरिज. ना जाने कितनी सच्ची मोहब्बतों ने दम तोड़ दिया मंजिल से पहले. ये कैसी लाचारी थी. ढूंढने निकला मैं रास्ते में मिली मुझे जात धर्म मजहब और समाज की घटिया अमीरी गरीबी की बीमारी थी. किसी ने खुद को तो किसी ने जीते जी मार दिया अपनों को. किसी ने अपनी बेटी खो दी तो किसी ने अपना बेटा. किसी ने अपनी बेटी खो दी, किसी ने अपना बेटा, तो किसी ने अलग कर दिया अपनों को. क्योंकि इन सबको डर था लोग क्या कहेंगे, क्योंकि इन सबको डर था लोग क्या कहेंगे. जिंदगी भर कमाता रहा दिखावे में गवाता रहा. पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक जिम्मेदारियां भी उठाता रहा. कर ना सका अपना कोई सपना पूरा, दर्द में भी मुस्कुराता रहा. कहीं चाहते हुए भी रिश्ते निभा ना सका तो कहीं ना चाहते हुए भी रिश्ते निभाता रहा. क्योंकि मुझको डर था लोग क्या कहेंगे. मैं अंत में एक मैसेज देना चाहूँगा. हम अपने 60-70 साल का पूरा जीवन सिर्फ यही सोचकर गुजार देते हैं लोग क्या कहेंगे, और हम अपने जीवन के सारे निर्णय यही सोचकर उठाते हैं लोग क्या कहेंगे.
और अंत में लोग सिर्फ चार शब्द कहते हैं, राम नाम सत्य है। इससे पहले कि ये लोग क्या कहेंगे, बीमारी हमसे कहे राम नाम सत्य है, क्यों ना हम सब मिलकर इस बीमारी को ही कह दें राम नाम सत्य है। थैंक यू, थैंक यू।